एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यमारिया एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ फिर से एक और रिव्यू वीडियो लेके। आज का जो प्रोडक्ट है वो है नेहा ब्रांड का स्केच आईलाइनर, जो इस समय बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है। और ये दो तीन चीज़ें हैं जो क्लेम करता है, तो वो भी हम देखेंगे आगे वीडियो में कि कितनी सही बात है और कितनी नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आईलाइनर है। अगर आपने एक बार इसमें पैसा इन्वेस्ट किया और आपको पसंद नहीं आया तो टोटली वेस्ट है आपका पैसा। तो इसलिए लेने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का स्केच आईलाइनर है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको रिसीव होने वाला है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है निया प्रोफेशनल्स द फाइन लाइन फ्लेक ड्रामेटिक कर्व्ड लिक्विड आईलाइनर। तो लिखा तो हुआ है इसके ऊपर लिक्विड आईलाइनर, लेकिन ये स्केच फॉर्म में ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसे खोल के दिखाती हूँ इसका जो टिप है वो कैसा है। इसका टिप आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि कर्व्ड फॉर्म में है। कैमरा फोकस, प्लीज फोकस कैमरा। तो इस तरीके का आपको ये इसका टिप मिलने वाला है, जिस वजह से ये इतना वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे। तो मैं क्या ही बताऊं, हर जगह यही वाला आईलाइनर आपको देखने मिले। मैंने इंस्टाग्राम से ही परचेस किया था, वहीं पर मैंने इसका एडवर्टाइज देखा था और मुझे ये काफी अच्छा लगा था देखने में। जो मतलब इसका जो एड था ना, उसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छे से क्लेम की गई थी कि पहली बात तो ये बिल्कुल शाइनी नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश लुक देगा आपको। दूसरा कि ये वाटरप्रूफ है, और तीसरा कि इससे यू नो आपके आंखों के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे आप अच्छे से विंग ड्रॉ कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम आती है कि आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे अच्छे से विंग कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। मैं आपको ये लगा के भी दिखाऊंगी, जिससे कि सब कुछ मालूम पड़ जाएगा ये कितना वाटरप्रूफ है, ये भी बताऊंगी। वाला जो स्केच आईलाइनर है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा है मुझे। कितने का है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो। ये आईलाइनर अप्लाई करने के बाद में मैंने ये फील किया कि ये थोड़ा सा तो शाइनिंग है, लाइक बिल्कुल ही मैट इफेक्ट नहीं मिलता है इससे, थोड़ा तो ये शाइनिंग लगता है हमारी आईलिड पे। और अगर मैं बात करूँ इसके वाटरप्रूफ टेस्ट की, तो ये वाटरप्रूफ भी है और आप इससे अच्छे से विंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिनको विंग ड्रॉ करने में यू नो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। इस टिप के अलावा मुझे ऐसा तो कुछ यूनिक इस प्रोडक्ट में नहीं लगा है कि इतने सारे पैसे इसमें यू नो इन्वेस्ट किए जाएं। इसका जो MRP है वो आई थिंक 1200 रुपीज की अराउंड है, और जो मैंने पे किया है वो मैंने पे किया है 999
मीन्स ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपए जैसा तो कुछ भी नहीं है इस आईलाइनर में। ओके ओके टाइप्स का आईलाइनर है, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप इसको लीजिए, अदरवाइज इसको लेने का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे तो ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक बहुत ज्यादा आपके आंखों पे ये टिका रहेगा, काफी घंटे चल जाएगा और साथ के साथ में ड्राई आउट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको सुखाने बैठने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये अब बिल्कुल आपके ऊपर है कि लाइक अगर आप इसको यू नो चांस देना चाहते हैं, एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।